गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चौधरी कमला, इन योर 8th स्टैंडर्ड वी ऑलरेडी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 1. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2. योर चैप्टर नंबर 2 इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. सो नाउ हियर वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2. इन दैट योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. इक्वेशंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड 6-7 में ऑलरेडी सीखा है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन वो अभी आपको एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी यू नो. नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मीन्स क्या होगा? वेरिएबल मीन्स इट्स वेरी वेरी मीन्स चेंज, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, मीन्स वो हर बार चेंज होती रहती है. तो वहाँ पे हमें यूज़ करेंगे कोई भी अल्फ़ाबेट, ए टू जेड के बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो. वी हैव टू एज्यूम ऑन बट इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड. सो आपको कोई इक्वेशन दिया होगा जिसमें कोई वेरिएबल दिया होगा, इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मीन्स ओनली एक ही वेरिएबल दिया होगा और वहाँ पे आपको वो वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है. इक्वेशन के ऑपोजिट साइड आपको प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी वैल्यू, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन है तो ऑपोजिट साइड डिवीज़न हो जाएगा, और अगर डिवीज़न है तो वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. और वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इधर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा? सिंपली एनी ऑफ द अल्फाबेट यू हैव टू यूज एंड इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, मीन्स इट्स वेरी वेरी मीन्स चेंज. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7. इससे पहले आपको इतना समझ लेना है कि अगर इक्वल टू के दिस वन साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई दोनों वैल्यू प्लस में है तो वो ऑपोजिट साइड जाएगा इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस के साथ जाएगा. अगर माइनस है तो वो वैल्यू जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वो डिवीज़न हो जाएगा, और अगर डिवीज़न है तो वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. इससे ऑपोजिट अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, डिवीज़न इस साइड है तो इस साइड मल्टीप्लीकेशन, इस साइड मल्टीप्लीकेशन है तो इस साइड डिवीज़न. तो वैसे आपको इधर आगे जाना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो तो वेरिएबल कौन सा है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर कोई अल्फ़ाबेट कौन सा है, ए टू जेड के बीच का कोई लेटर कौन सा है, तो आप इधर देख के पता, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7 देख के पता चला ही x is variable, yes or no? Because x is one of the alphabet. तो अभी हम क्या करेंगे? Therefore, x is equal to, x को हमें क्या करना है? Subject बनाना है. इधर जो 7 था right hand side वो तो as it is रहेगा, उसमें हमें कोई change नहीं करना है. तो अभी change किसके आगे होगा? तो ये minus 2 के साथ, इधर देखो variable के साथ minus 2 है, तो minus है तो opposite side क्या हो जाएगा? Plus 2. तो क्या होगा x की value? 7 plus 2 9 हो गई एक्स की वैल्यू. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली आपको होमवर्क में दिया था, बट स्टार्टिंग है तो मैं आपको समझा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. तो इधर वेरिएबल आप देख के पता चल जाएगा y इज वेरिएबल बिकॉज इट्स अल्फाबेट, 10 एज इट इज, बट इधर प्लस 3 है तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3 7. अंडरस्टूड एवरीवन? ये वेरिएबल की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2. इधर वेरिएबल कौन सा है? जेड इज वेरिएबल. वेरिएबल पता चल गया तो फिर वेरिएबल को वहाँ पे ही रखो, इधर ऑपोजिट साइड जो भी है उसको भी एज इट इज लिख दो, बट ओनली चेंज किस में करना है? तो वेरिएबल के साथ जो प्लस माइनस में उसके साथ ज्वाइन हुआ है तो वो प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस. सो जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 4. ऐसे आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 3 अपॉन 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 अपॉन 7. इधर वेरिएबल तो एक्स है वो हमें पता है, इस साइड 17 अपॉन 7 है वो भी पता है, बट इधर अभी देखो 3 अपॉन 7 के आगे कोई साइन नहीं है. अगर कोई साइन नहीं होते तो वो हमने ऑलरेडी इंटीजर्स में हमें पढ़ा था, अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव होता है तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा.
अंडरस्टूड एवरीवन? ये प्लस एक्स था, बट एक्स के आगे प्लस लिखो ना लिखो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो एक्स की वैल्यू क्या हुई? अभी इधर देखो, आपको दोनों ही इधर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर यू हैव टू गिवन यू, दैट 17 अपॉन 7 एंड 3 अपॉन 7 बोथ आर दैट इन दैट यू हैव टू गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बट हियर डिनोमिनेटर इज सेम, इफ इट्स नॉट सेम देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एलसीएम, देन यू हैव टू मेक इट फर्स्ट अ सेम नंबर दैट एलसीएम, यूजिंग एलसीएम यू हैव टू डू दिस डिनोमिनेटर, मीन्स इक्वल नंबर आपको रखना है डिनोमिनेटर में। अगर वो इक्वल नहीं है तो यूजिंग एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यू हैव टू डू इट्स फर्स्ट सेम। नाउ अगर सेम है तो उसको सेम है तो लिख दो वन टाइम ओनली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर 17 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या मिली? 17 माइनस 3 कितना होगा? 14 डिवाइड बाई 7, तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7 की वैल्यू क्या होती है? 2। डिवीजन करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इधर, और अभी 5 नंबर का 6x इज इक्वल टू 12। अभी इधर आप देखोगे तो कोई आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिखता है? नहीं दिखता है। बट अगर 6 एंड x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो दोनों के बीच में कौन सी साइन होती है? दैट वन इज मल्टीप्लीकेशन। अभी आपको समझ जाना है कि कोई दो नंबर जैसे कि 2a, 2b, 2x, 3x, 7x, 7y, 2y कोई भी है तो दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो कौन सी होगी? जो इनविजिबल साइन होती है वो है मल्टीप्लीकेशन। तो इधर x तो एज इट इज रहेगा, 12 भी एज इट इज रहेगा, बट इधर अभी 6 मल्टीप्लीकेशन में है तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा वो। तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 क्या होगा? 2। वैसे ही इधर इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो आपको होमवर्क में दे रहे हैं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है t अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, टी अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। इधर देखो 5 डिवीजन में है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में ऑनली इतना ही करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट इधर जो 3 डिवीजन में है उसको आप क्या कर लो? ऑपोजिट साइड ले जाओ, मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अभी इधर जो x है उसको सब्जेक्ट बनाना है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सी होगी? मल्टीप्लीकेशन। तो अभी 18 मल्टीप्लाई बाई 3 तो था इधर, बट ये 2 कहाँ पे जाएगा? इधर मल्टीप्लीकेशन, तो ऑपोजिट साइड डिवीजन हो जाएगा वहाँ पे। सो नाउ x इज इक्वल टू क्या मिला? तो जो कट होता है वो कर लो इधर, तो 9 टू जा 18, दिस 2 टू कट, नाउ 9 थ्री जा 27 इज रिमेनिंग। अंडरस्टूड एवरीवन हियर? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको होमवर्क में दे रहे हो, सेम मेथड है 1.6 के साथ है, y अपॉन 1.5 है, तो 1.5 को ऑपोजिट साइड ला दो इधर, तो क्या हो जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आपको ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे इतना मिलेगा। पॉइंट है, अगर दोनों का पॉइंट हो जाता है तो दो पॉइंट आपको मूव होना है, वो आपको आता है अभी 8 स्टैंडर्ड में। इसके बाद है 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x एज इट इज रहेगा, 16 ये माइनस 9 है तो ऑपोजिट साइड प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 कितना होगा? 25। नाउ x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7, डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो दिस वन इज योर आंसर। अगर डिवीजन होता है तो वहाँ पे आपको डिवीजन करना है, नहीं होता है तो दिस वन इज योर आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो इसके क्वेश्चन 9 के जैसे सेम मेथड है उसमें, तो वो आपको अपने आप होमवर्क में करना है। 11 नंबर भी सेम मेथड है तो होमवर्क में करना है। अगर 9 माइनस 17 करोगे, चलो 11 नंबर का मैं करवा देती हूँ इधर, क्वेश्चन नंबर 11, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब इधर देखो तो 6p अल्फा पे, तो 9 इधर 17 के आगे कोई साइन नहीं है तो वो कौन सी होगी? प्लस की होगी ना, जो हमें दिखती नहीं है, तो इधर ऑपोजिट साइड वो माइनस 17 हो जाएगा। ये 6p 9 माइनस 17 कितना बचेगा इधर? 8। बट प्लस और माइनस, माइनस 8 बिकॉज दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 17 इज ग्रेटर बिफोर दैट माइनस साइन, तो इधर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ p एज इट इज, माइनस 8 एज इट इज,
बट ये सिक्स अभी मल्टीप्लीकेशन में है, आपको पता है कोई साइन नहीं होती है तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो अपोजिट साइड हो जाएगा, तो डिवीजन में ऊपर नीचे कुछ कट होता है। यस और नो? फोर टू जा एट एंड थ्री टू जा सिक्स, सो टू टू कट, सो वॉट इज रिमेनिंग? पी इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री बट माइनस, सो माइनस फोर अपॉन थ्री, दिस वन इज योर आंसर। वैसे अभी आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एक्स अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू सेवन अपॉन फिफ्टीन। नाउ एक्स इज वेरिएबल, वी नो दैट, सो एक्स अपॉन थ्री वी हैव टू डू सब्जेक्ट, मैच सब्जेक्ट हियर, तो सेवन अपॉन फिफ्टीन हियर प्लस वन, सो ऑपोजिट साइड माइनस वन। अभी यहाँ पे आपको कैसे होगा इसका सब ऑपरेशन आपको अगर पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेवन, इन डिवीजन नो वन नंबर इज देयर, तो सेवन मल्टीप्लाई माइनस फिफ्टीन, वन इज फिफ्टीन डिवाइड बाय फिफ्टीन। अदरवाइज दूसरी मेथड, फिफ्टीन एंड वन का एलसीएम निकाल लो तो क्या मिलेगा, फिफ्टीन, इधर कोई नंबर नहीं था तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिफ्टीन से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वन फिफ्टीन इज फिफ्टीन एंड वन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन इज फिफ्टीन, नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो यू हैव टू राइट डाउन इट्स वन टाइम ओनली, सो नाउ एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू सेवन माइनस दिस फिफ्टीन, हाउ मेनी रिमेनिंग, माइनस एट, बिकॉज फिफ्टीन इज ग्रेटर बिफोर दैट माइनस साइन, सो माइनस एट अपॉन फिफ्टीन। नाउ एक्स को अभी हमें सब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, दिस एक्स एज इट इज माइनस एट अपॉन फिफ्टीन एज इट इज, ये एक्स डिवीजन में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, अभी देखो ये ऊपर की वैल्यू है, दिस वन इज डिनोमिनेटर, कुछ कट होता है, यस थ्री फाइव इज फिफ्टीन, नाउ थ्री थ्री कट, सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एट अपॉन फाइव। एनी क्वेश्चन नाउ हियर, अगर कोई है तो आप बता सकते हो वहाँ पे, जब भी आप स्कूल में आओ तब, और स्कूल में आके भी आप बता सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। Now here your exercise 2.1 is finished. After that, in next video we have to start our exercise 2.2. Thank you.